स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ में हूं अंकुश वाजपेयी। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमते ही सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को भोपाल पहुंचने वाले हैं, ऐसे में उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 9 जून को बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचने वाले हैं। उनके प्रस्तावित भोपाल दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। उनके दौरे की खबरों से उनके समर्थकों को शांति मिली है, जो लंबे समय से जिम्मेदारियों के इंतजार में बैठे हैं। उन्हें लगने लगा है महाराज इस बार कुछ न कुछ कर कर जाएंगे। तो दूसरी ओर पार्टी के पास संगठनात्मक मामले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया संगठन के अलावा निगम बोर्ड में संबंधित चर्चाएं कर सकते हैं। सिंधिया के भरोसेमंद सहयोगी इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया उपचुनाव में हार के बाद से ही नई जिम्मेदारियों के इंतजार में हैं, क्योंकि टीम बीडी भी अभी अधूरी है। वहीं सिंधिया सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात कर कई चर्चाएं करेंगे। सिंधिया भोपाल पहुंचते ही संघ कार्यालय समीधा भी जाएंगे। गौरतलब है इससे पहले भी सिंधिया समीधा जा चुके हैं। अपने इस दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना काल में ग्वालियर चंबल में चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सिंधिया जी हमेशा हर 15 दिन 20 दिन में भोपाल के प्रवास पे आते हैं, उसी लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे अच्छी बात है समन्वय, सामंजस्य और सौजन्य भेंट, इसके लिए आ रहा है। आप इसका अर्थ का अनर्थ मत निकालो, हम तो सिर्फ मिलने के लिए। जो हमारा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता हूँ, मैं भी वही चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहेगा अपने अपने वरिष्ठ नेता के लिए, कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमते ही राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल दौरे के बाद से ये सियासी हलचल और तेज हो गई है। देखना होगा अपने भोपाल दौरे पर आ रहे सिंधिया किन किन पहलुओं पर चर्चाएं करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनए। तो 9 जून को सिंधिया का भोपाल दौरा, और दौरे से पहले सियासी गलियारों में भी हलचलें काफी तेज हैं, क्योंकि ये कयास हैं कि सिंधिया सीएम शिवराज और बीडी शर्मा से भी मुलाकात करेंगे, और इसके बाद ये देखना होगा कि किन किन मुद्दों पर वे चर्चाएं करने वाले हैं। हालांकि मंत्री तुलसी सिलावट का यह कहना था कि सिंधिया 15 से 20 दिनों में भोपाल आते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और सिंधिया के दौरे से पहले ही आज तुलसी सिलावट ने सुहास भगत से भी मुलाकात की है। जब उनसे पूछा गया कि सिंधिया के दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है, तो उनका कहना था कि सिंधिया सामान्य तौर पर भोपाल आते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सियासी गलियारों में हलचलें काफ़ी तेज़ हैं। कोरोना की रफ्तार तो थम गई है प्रदेश में, और कोरोना की रफ्तार थमते ही सियासी हलचलों में चर्चाएं गर्म हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचने वाले हैं। कितना खास उनका ये दौरा रहने वाला है, क्या कुछ चर्चाएं इस दौरान वे करेंगे, ये भी काफ़ी अहम हो जाता है। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर ब्रिज गोपाल लोया जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका स्वागत करते हैं। हमारे पास इस वक्त ब्रजेश पांडे जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर आपका भी स्वागत करते हैं। और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी भी जुड़ेंगे। बहरहाल लोया जी, शुरुआत आपसे होगी। भले ही बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो ये मान रहे हैं कि ये सामान्य दौरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, लेकिन कोरोना की रफ्तार थम चुकी है प्रदेश में और सियासी हलचलें तेज हैं, क्योंकि सिंधिया का दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है, किन किन पहलुओं पर चर्चाएं संभव हैं? आश्चर्यजनक क्या ये भोपाल माननीय सिंधिया जी पिछले 1.5 से 2 माह हो गए, तब से कोविड की जो दूसरी लहर आई थी उसके कारण भोपाल प्रवास पर नहीं आ पाए थे। वे हमारे सांसद हैं, तो उनको भोपाल आना है, राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करना, और मुलाकात के मायने निकालने का कोई अर्थ नहीं, इसलिए नहीं है कि अभी पिछले 4 दिन 5 दिन पहले से बहुत सारे अर्थ निकाले गए मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी, परंतु उनमें कोई अस्तित्व नहीं होता है। माननीय सिंधिया जी वहां से आ रहे हैं, निश्चित है कि वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के हित के लिए, कोविड के बाद हमको किस तरह और कुछ आगे करना चाहिए, यदि उनके मन में उसके प्रति कोई सुझाव होंगे तो वो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज जी को देंगे और संगठन के मुखिया माननीय बीडी शर्मा जी को देंगे। और
ये जो क्रम है ये भारतीय जनता पार्टी में निरंतर है। यहाँ नेता आपस में मिलते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, और हमें एक सामूहिक नेतृत्व की जो भावना है वो भावना इस मुलाकातों से ही होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो ना तो सिंधिया जी के दौरे में कोई नई बात है, ना कोई उनके दौरे में विशेष बात है। अब उसके विशेष अर्थ लगाना मैं नहीं समझता कि इसका कोई बहुत अर्थ है। हाँ, और इस तरह के दौरे ये नहीं है कि वो आ रहे हैं। विपरीत अर्थ कौन लगा रहा है लोया जी? नहीं, विपरीत नहीं कह रहा मैं, इसके अंदर जो अर्थ तलाशने की कोशिश हो रही है वो मुझे लगता है कि वो अर्थहीन है। और सिंधिया जी केवल ये नहीं है कि अभी आ रहे हैं, सिंधिया जी भी और अन्य पार्टी के हमारे नेता भी निरंतर आते जाते रहते हैं। कोविड का जैसे ही काल खत्म हुआ, माननीय कैलाश जी ने सब नेताओं से मिले, मुलाकात करी, चर्चा करी, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में थे, वहां से बहुत दिन बाद व्यस्तता उनकी समाप्त हुई थी तो यहाँ आए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निरंतर प्रक्रिया और उसका अंग है, इसमें कुछ ना तो नया है और ना ही इनके कहीं नियतार्थ। नहीं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, इमरती देवी हैं, दंडोतिया जी हैं, उनको तो उम्मीद होगी ना, क्योंकि अभी टीम वीडी अधूरी है। नहीं, देखिए, टीम वीडी शर्मा जी की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो वो उनको तैयार करनी है, जो पदों पर नियुक्ति होना है वो करेंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है, और ये कहना भी बहुत उचित नहीं है, ये कांग्रेस की संस्कृति है कि वो कोई किसी का नेता है, कोई किसी का नेता है। यहाँ स्थिति ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे सभी कार्यकर्ता, तो केवल ये नहीं है कि कोई गिरिराज दंडोतिया जी या इमरती देवी जी ही उनका स्वागत करेंगे या उनको, ये सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर स्वागत करते हैं। सिंधिया जी जब पहले भी प्रदेश कार्यालय आए हैं तो उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने किया है। तो हमारे लिए इसमें कुछ भी इस तरह से सोचने का विषय नहीं है कि उनके समर्थक या हमारे समर्थक, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी एक हमारा जो नेतृत्व प्रदेश का उसका एक अंग है। और जब वो निश्चित भोपाल आ रहे हैं तो भोपाल आने के बाद सबसे मिलेंगे जुलेंगे, उनके मन में यदि मध्य प्रदेश की को आगे ले जाने की और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कोई अवधारणा होगी तो उस पर चर्चा करेंगे। जी प्रदीप तिवारी जी, सुन पा रहे मुझे? तिवारी जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी तिवारी जी स्वागत है आपका। सवाल ये कि सिंधिया जी का दौरा कितना अहम, ऐसे में देखिए लोया जी तो ये मानकर चल रहे हैं कि सामान्य दौरा है उनका, रहता हमेशा से रहता है भोपाल आने का, लेकिन क्या आपको लगता है इस बार कुछ खास ये दौरा है? हम अटकलों की बात नहीं कर रहे हैं, या पिछले 4-5 दिनों से जो मेल मुलाकातों का दौर चल रहा था उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कितना खास और अहम दौरा? अंकुश जी, सिंधिया जी महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार में आज वर्तमान परिस्थिति में, ठीक है। और सिंधिया जी के कई सारे विधायक और वर्तमान में मंत्री हैं, और कुछ विधायक ऐसे थे जो इस बार नहीं जीत पाए चुनाव, तो जैसे उसमें इमरती देवी हैं, कई सारे लोग हैं, तो संगठनात्मक दृष्टि से सिंधिया जी ये चाहते हैं कि उनका भी कद बढ़े और वो कुछ न कुछ ऐसे होदे में मिल जाए जिसको लेकर वो निरंतर अपने विधानसभा में संपर्क रहे और आने वाले भविष्य में जब चुनाव होगा तो वो जीत सुनिश्चित कर पाए। तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी का संगठन के दृष्टिकोण से प्रदेश अध्यक्ष से मिलना, मुख्यमंत्री जी से बातचीत करना, और जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको कहीं ना कहीं स्थान मिले, और बीजेपी में चाहे संगठन में हो, चाहे निगम मंडल में हो, या और कहीं एडजस्ट करने की बात आए, तो जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको उनकी भूमिका तय होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी है। दूसरी ये कड़ी ये भी हो सकती है कि भी आप देखे होंगे, निरंतर एक बात चल रही थी कि शिवराज जी को हो सकता है केंद्र में बुलाया जाए या मुख्यमंत्री बदला जाए। तो मध्य प्रदेश में एक ऐसी एक अफवाह कहिए या बातचीत कहिए, बातचीत को दौर चला, और निरंतर जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के संपर्क में, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, प्रदेश अध्यक्ष पीटी शर्मा जी का बैठना, उसके बाद प्रभात झा जी का आना, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है लोगों के बीच में कि सिंधिया जी भी इस कड़ी के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके माध्यम से भी संगठन की दृष्टि से कुछ माहौल में परिवर्तन हो सकता है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है सिंधिया जी का दौरा इसके लिए भी हो, संगठन से चर्चा किया, क्या अंदर चल रहा है, इसकी बात की शुरुआत उनको भी लगी हो, और नेताओं से संपर्क करने में हो, शिवराज जी से बातचीत करें, प्रदेश अध्यक्ष से बात करें कि वास्तव में अंदर चल क्या रहा है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है सिंधिया जी का यह पहला दौरा है, और मध्य प्रदेश में एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में अभी सिंधिया जी का बड़ा महत्व है, क्योंकि सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका सिंधिया जी की रही, और ग्वालियर क्षेत्र का 70%
सरकार के साथ सहयोग रहा। यही कारण है कि आप देखेंगे जो इनके कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव हार गए उनको कहीं ना कहीं नई जिम्मेदारी देने की भी भूमिका है, उसको भी कहीं ना कहीं तय करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। ये सारी कायास जो है का जो दौर चल रहा था उसको लेकर और सिंधिया जी मध्य प्रदेश का दौरा किए हैं और मुख्यमंत्री जी से भी उनका मिलना हुआ है, संगठन के दृष्टिकोण से प्रदेश अध्यक्ष जी से भी चर्चा करेंगे और सारी बातों को अपनी रखेंगे। अब उसमें आने वाले समय में सरकार क्या भूमिका तय करती है सिंधिया जी की और कार्यकर्ताओं के बीच में, ये तो सरकार और संगठन के बीच की बात है। जी संकुल जी, चलिए जो कयासों का दौर चल रहा है कल साफ हो ही जाएगा कि आखिर सिंधिया जी मुलाकात करते हैं तो क्या बातचीत होती है, किसके संबंध में बातचीत होती है। पांडे जी, कांग्रेस क्या सोचती है सिंधिया जी के दौरे को लेकर, क्योंकि 2 से 3 दिनों पहले ये कयास चल रहे थे कि सिंधिया जी दौरे पर आ रहे हैं तो शिवराज जी, हालांकि ये तो अब बात नकार चुके हैं गृह मंत्री जी भी, कैलाश विजयवर्गीय जी भी, लेकिन कांग्रेस जो है लगातार यही सवाल उठाते आ रही थी। असल में क्या है अंकुल जी, भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे लोहिया जी, मैं इनकी बातचीत से पास नहीं रखता। शायद ये भूल जाते हैं कि जब सिंधिया जी बीजेपी में एंट्री की, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, तो वो कोई शिवराज सिंह जी का दामन पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए थे, ना नरोत्तम मिश्रा जी का ना कैलाश। सिंधिया जी का कद अपने आप में बड़ा है और सिंधिया जी राष्ट्रीय फलक के नेता हैं, वो सीधे अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्होंने अपने ही संबंधों के आधार पर अपने लोगों को मंत्री बनवाया, जो जीत करके आए, जो उनके लोग चुनाव हार गए तो उनको भी वो कुछ न कुछ निगम या मंडल में एडजस्ट कराने के लिए आ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात ये कि दमोह उपचुनाव का जो रिजल्ट जो शिवराज सिंह जी के खिलाफ गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की खबर जो मेरे पास है वो ये है कि भाजपा के कुछ मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को ये लग रहा है कि शायद दिल्ली दरबार जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ मध्य प्रदेश में सीएम के लिए कुछ वजाहत करे, ये बनक सिंधिया जी तक पहुंची होगी कि वो भी निश्चित रूप से एक दावेदार मुख्यमंत्री के हैं और वो इसीलिए मध्य प्रदेश के दौरे में आ रहे हैं। हम समझते हैं कि सिंधिया जी को मध्य प्रदेश की कमान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देता है या उन्हें केंद्रीय स्तर पे देता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कल का उनका भोपाल आना ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स का ही नतीजा है और अगर वो आकर के अपने समर्थकों की अपने अनुयायी की बात करेंगे शिवराज सिंह जी से, दुर्गी शर्मा जी से, और उसके बाद ही वो आगे की राजनीति दर्शा चलाते हैं। नहीं, लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश की कमान का सवाल है, आपने प्रश्न उठाया कि इस संबंध में वो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस बात को तो पहले ही नकार चुके हैं गृह मंत्री जी, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर लें कि नेतृत्व उन्हीं के हाथों रहेगा, वो सीएम थे हैं और रहेंगे। अंकुश जी, आप तो बड़े विद्वान एंकर गिने जाते हैं मध्य प्रदेश में, आप भी जानते हैं कल केवीपी न्यूज में जो है शाम के बुलेटिन में दिखाया कि नरोत्तम मिश्र जी के साथ, वो मेरे पास सिर्फ थे नरोत्तम मिश्र जी के साथ 30 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अपना गुट अपनी लाभी बना सकते, ये बड़ी खबर है, बड़े चैनल की खबर है। मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी में अंदर खाने बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी को एक जिम्मेदारी मिली थी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की, उस जिम्मेदारी पे वो फिसड्डी साबित हुए। उनके साथ मध्य प्रदेश के जिन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी उसमें नरोत्तम मिश्र जी भी थे, विश्वास सारंग जी भी थे, स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी भी कई मीटिंग में एड्रेस करके आए थे, ऐसे बहुत से नेता थे मध्य प्रदेश में जिन्होंने कहा था कि हम जो है पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर के एक जादुई करिश्मा करके आएंगे और हावड़ा से लेकर के हम पूरे के पूरे आसानसोल तक भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका लहरा के आएंगे, लेकिन उनका सपना चकना चूर हुआ। जो दिन में मुगरी लाल के हसीन सपना देखने की भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है वो औधे मुंह गिरी, और हम समझते हैं इसके बाद जो ये 3-4 दिन तक इनकी एक्सरसाइज के लिए भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं का नाम दे रहे हैं बड़े नेताओं का, ये सब किसी की परिणति है, या तो ये मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहते हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर निकम मंडल में अपने लोगों के चेहरों की नियुक्ति करना चाहते। देखिए लोहिया जी, भले ही आप कह रहे हैं कि सामान्य दौरा है उनका, लेकिन कांग्रेस तो ऐसा नहीं मानती, उनका तो कहना है कि बीजेपी के भीतर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जहां तक उनके जो समर्थक हैं, देखिए मैं फिर ये इस बात का जिक्र करूंगा, इमरती जी और दंडोतिया जी, उनको अभी तक नई भूमिका नहीं मिली है, उसको उसके बारे में क्या पार्टी अब सोच विचार भी करेगी कि क्या भूमिका इनकी रहनी चाहिए, निगम मंडलों की बात कर लें हम या टीम ईडी की बात कर लें। वो क्या मालूम क्या क्या बातें करते हैं, मेरी समझ नहीं आता। वो कह रहे थे अभी आदरणीय ब्रजन जी कि वहां कैलाश विजयवर्गीय जी फिसड्डी साबित हुए, अरे साहब वो 3 से
77 तक भारतीय जनता पार्टी को ले गए और 71 से जीरो पर लाकर कांग्रेस को खड़ा कर दिया। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की और कैलाश जी की भी। अब मैं अपनी आपकी बात जो आपने कहा है, आप मुझे एक बात बताइए कि निगम मंडल जो सरकार के पद है उनकी जिम्मेदारी वो कहां किसको कैसा नियुक्ति करती है ये सरकार का विषय है, और संगठन में किसे किस पद पर रखना है ये संगठन का विषय है जिसे माननीय बीडी शर्मा जी तय करेंगे। अब प्रश्न इस बात का है कि यदि कहीं भारतीय जनता पार्टी में या सरकार में कोई पद रिक्त है तो उन पर कौन कार्यकर्ता काम करेगा, ये संगठन और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर तय होगा। कोई वो ऐसा नहीं है कि सिंधिया जी आ रहे हैं तो उनके समर्थक हैं। मैंने आपसे शुरू में भी जिक्र किया था कि ये जो गुटी संस्कृति कांग्रेस की है वो उसी चश्मे से भारतीय जनता पार्टी को देखने की कोशिश करते हैं, परंतु यही कांग्रेस चूक जाती है। भारतीय जनता पार्टी में गुट कभी नहीं होता, गुट नहीं होगा, केवल पार्टी ही होगी। आपने चार दिन बहुत मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने की कोशिश करी परंतु आपको उसमें कुछ नहीं मिला। जो कांग्रेस के लोग हैं इन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश करी और ये भ्रम ये सिंधिया जी के माध्यम से अभी फिर फैलाना चाहते हैं, परंतु मैं फिर कह रहा हूं और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि सिंधिया जी का आना, और ये बिल्कुल सच है, मैंने आपसे कहा है, हो सकता है कि वो किसी के बारे में ये कहें, परंतु महत्वपूर्ण ये नहीं है। इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व करेगा, माननीय विधि शर्मा जी करेंगे, माननीय शिवराज जी करेंगे, और भी हमारा सामूहिक जो नेतृत्व है उसमें सब शामिल है, माननीय नरोत्तम जी भी शामिल है, माननीय कैलाश जी भी शामिल है, स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं हुआ करते। ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि यदि एक व्यक्ति ने कोई भी निर्णय कर दिया उसको आपको मानना ही पड़ेगा और एक ही व्यक्ति पूरे पद रखे रहेगा कि वही प्रदेश अध्यक्ष होगा, सरकार बनी तो वही मुख्यमंत्री होगा, विपक्ष में आ गए तो वही नेता प्रतिपक्ष होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व की भावना, और कांग्रेस इसमें से ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करे क्योंकि जो आपके खाली हाथ हैं वो खाली ही रहने वाले हैं। उसमें ये बिल्ली की तरह ये देखते हैं कि छीका टूटेगा और इनको कुछ मिलेगा, तो ये छीका बहुत मजबूत है, ये छीका टूटने वाला नहीं है। इसमें हर डोरी जो लगी है वो बहुत मजबूत है और बहुत सुरक्षित है, और मध्य प्रदेश में मैं नहीं समझता कि किसी तरह का कोई राजनीतिक संकट है। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया और मीडिया ने इस तरह का एक माहौल बनाया कि उसमें माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को और माननीय कैलाश जी को आगे आकर ये कहना पड़ा कि नहीं, इस तरह का कोई विषय नहीं है। परंतु यदि कांग्रेस बेहतर है, मैं सलाह दूंगा कांग्रेस के हमारे साथी हैं कि इससे बेहतर है कि आप अपने संगठन पर काम करें, अपने पर काम करें, क्योंकि आपके कई नेता बयान दे रहे हैं, उन बयानों से आपके ही दूसरे नेता इत्तेफाक नहीं रखते, जो कमलनाथ जी ने कहा उससे दिग्विजय सिंह जी इत्तेफाक नहीं रखते, जो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं उससे कमलनाथ जी इत्तेफाक नहीं रखते। तो ये जो कांग्रेस के भीतर की जो आचरण है उस आचरण से, उस नजरिए से और उस चश्मे से ये भारतीय जनता पार्टी को देखने की कोशिश करते हैं, इसमें इन्हें कुछ दिखाई देने वाला है नहीं। तिवारी जी, अगर भ्रम की स्थिति पिछले एक हफ्ते से बनी हुई है, अब सिंधिया जी भी आ रहे हैं, अभी भी अटकलें हैं, जो भ्रम की स्थिति बनी वो कैसे बनी, किसने बनाई, एक बड़ा सवाल तो ये भी उठता है। हेलो जी तिवारी जी, देखिए क्या है अंकुश जी कि भ्रम का कोई मामला नहीं है, मीडिया के पास भ्रम का मामला इसलिए नहीं है कि आप नरोत्तम जी के साथ कैलाश जी को मिलना, प्रभात जी का जाना, प्रदेश अध्यक्ष जी के पहुंचना, तो कहीं ना कहीं कोई कोई तो बात है जो अंदर अंदर चल रही है। तो मीडिया तो खबरों पर नजर रखती है और मीडिया का काम है खबरों पर नजर रखना, अगर कोई बात हो रही है तो उसको जनता तक पहुंचाए, यही सूचना संकलन का काम मीडिया का है। अब रही संगठन की बात, तो संगठन के अंदर क्या चल रहा है ये तो मीडिया के पास अभी तक कोई ऐसी जानकारी पुष्टि नहीं हुई है कि मध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन की बात है या कुछ है, लेकिन अंदर अंदर संगठन को लेकर, संगठन के दृष्टिकोण से या मुख्यमंत्री के बदलने के दृष्टिकोण से कोई ना कोई बात ऐसी चल रही है जिससे कद्दावर नेता, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, सिंधिया जी हो या प्रभात झा जी हो, सब लोग एक साथ दो दो बार तीन तीन प्रभात जी के साथ बैठक होना, तो कोई ना कोई बात होगी, तभी तो चर्चा का विषय बना हुआ है, अन्यथा अगर बात नहीं होती तो चर्चा भी नहीं होती। तो ये संगठन के दृष्टिकोण से हो सकता है कि इसको संगठन ये न माने कि अफवाह है, लेकिन मीडिया तो ये कहेगी ही कि आप अगर प्रहलाद पटेल जी के साथ बी डी शर्मा, चितानंद जी से और नरोत्तम मिश्रा जी, सब लोगों का मिलना एक साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी इसलिए। लेकिन हालांकि आप देखेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी ने और नरोत्तम जी ने, दोनों ने एक साथ बयान भी दिया है कि भाई मध्य प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं है कि न तो मुख्यमंत्री का परिवर्तन किया जा रहा है, न तो कोई ऐसी बात हो रही है। संगठन के दृष्टिकोण से लोगों का मिलना जुलना होता रहता है और औपचारिक बात भी है ये,
कि अगर कोई बड़ा नेता केंद्र का आता है तो मध्य प्रदेश के किसी भी नेता से मिलने की अगर उसकी है और कोई चर्चा की बात है तो उसमें कोई बात तो थोड़ी बहुत निकल के आती है, लेकिन इस तरह की बात अभी तक मीडिया में भी नहीं आई है कि मुख्यमंत्री का परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ बातें सोशल मीडिया से आई हैं तो उसको मुझे नहीं लगता है कि उसमें अभी कोई सत्यता है, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत आश्वस्त हैं इस बारे में और सिंधिया जी भी, कई सारे लोग इस पे जब बातचीत करते हैं मीडिया के लोगों से तो इस तरह की कोई बात नहीं आ रही कि कोई परिवर्तन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। और मुख्यमंत्री जी तो ऐसे भी काफी परिपक्व हैं, उनका काफी क्षेत्र में प्रभाव है, तो अचानक बदलना मुझे लगता है कि संगठन के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। जी अंकुश जी, पांडे जी, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि सिंधिया जी बीजेपी में गए, अलग थलग उन्हें कर दिया गया है? देखिए ना, वो जब जब दौरे पर आते हैं, भोपाल की बात कर लें, ग्वालियर भी पहुंचते हैं, तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। अब कल जब वो दौरे पर आ रहे हैं, सीएम से मुलाकात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात उनकी होगी, तमाम मंत्रियों से भी मिलते नजर आएंगे, संविदा भी पहुंचेंगे संघ के कार्यालय, तो फिर क्यों लगता है कांग्रेस को ऐसा? देखिए अंकुश जी, बहुत सीधी बात, सिंधिया जी जो है वो राष्ट्रीय राजनीति के अंदर पहले सबसे प्रखर राजनेताओं में गिने जाते हैं। उनके पिताजी कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस में थे और वो केंद्रीय मंत्री थे, सिंधिया जी भी कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री थे। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई लिस्ट बनाती है चुनाव अभियान समिति की, चुनाव प्रचार समिति, सिंधिया जी का नाम अंतिम पायदान से एक नंबर ऊपर डालती, 14वें 15वें नंबर पर। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिंधिया जी का क्या वैल्यूएशन है क्या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी एंट्री किया, ये महत्वपूर्ण बात है। और जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सिंधिया जी क्योंकि राष्ट्रीय कक्ष के नेता है और उनकी इज्जत मोदी जी, अमित शाह जी, वेंकैया नायडू जी और सभी बड़े नेता केंद्र के करते हैं, तो उसमें तीन चीजें होंगी। पहला, या तो सिंधिया जी कल आकर के शिवराज के माध्यम से ये खेलवाना चाह रहे हैं दिल्ली दरबार को भारतीय जनता पार्टी के, कि आप उसको केंद्रीय मंत्री बनाओ, क्योंकि उनके पास समर्थकों की संख्या अच्छी है और उनके कई लोग मंत्री हैं मध्य प्रदेश की सरकार, ठीक है। दूसरी बात, सिंधिया जी ये खेलवाना चाह रहे हैं कि रस्सी भले जल गई है लेकिन एट नहीं गई है, मैं अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया हूँ, अगर मैं भाजपा की सरकार बना सकता हूँ तो भाजपा की सरकार गिरा सकता हूँ अगर आपने हमारे लोगों को एडजस्ट नहीं किया। तीसरा संदेश वो ये देना चाह रहे हैं कि कम से कम ग्वालियर चंबल संभाग में कोई नरोत्तम नरेंद्र सिंह तोमर जी की या कोई वहां पर नरोत्तम मिश्रा जी की या किसी अन्य नेता की नहीं चुनी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी चुनी जाएगी क्योंकि मैं बलिदान त्याग करके किस पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ, इसकी सरकार में। तो ऐसे तीन चार बिंदु हैं जिस पर सिंधिया जी चर्चा करेंगे और सिंधिया जी के आने का इनकी पार्टी और इसके प्रवक्ता लोया जी कुछ भी कहें, पर मैं इनसे यही कहूंगा कि इन्हें ध्यान रखना चाहिए, रामचरितमानस की बहुत अच्छी चौपाई है कि राजनीति बिंदु धन बिंदु धर्मा, हर ही समय बिंदु सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय, चंद तेज थी कुवंत्र पे राजा, मान ले ज्ञान पान में लाजा, अप्रीत पुनः बिन मद पे गुनी, नाशे ही बेग नीति अच्छी सुनी। इसलिए सिंधिया जी की बात सुनी जाएगी अंकुश जी, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सिंधिया जी के आने, उसकी मीडिया कवरेज के बाद ही पूरी तरह से पूरी। चलिए आखिरी टिप्पणी यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए, तीन बिंदु यहाँ पर गिनाए पांडे जी ने, लोया जी आपने भी सुना है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय ब्रजेश पांडे जी रामायण का अच्छा अध्ययन करते हैं, तो रामायण में एक चौपाई आई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। आप में उपदेश मत दीजिए, अपना आचरण सुधारिए, अपनी पार्टी की व्यवस्थाओं को अच्छा कीजिए। हम हमेशा अपनी पार्टी को अच्छा करने में लगे रहते हैं, हमारे नेता आपस में मिलजुल कर एक सामूहिक नेतृत्व विकसित करते हैं, ऐसा कहीं कांग्रेस में भी हो जाए ब्रजेश पांडे जी तो बहुत अच्छा होगा। ये जो रामायण है ना, ये आत्मसात करने के लिए है। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय लिखी थी, खुद के स्वार्थ सुख के लिए लिखी थी। इसे केवल उपदेश का माध्यम मत बनाइए, थोड़ा बहुत आचरण लाइए, हम लोग उस पर आचरण करते हैं इसलिए। चलिए, समय की कमी, आप तीनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, तीनों का शुक्रिया अदा हम करते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आएंगे, मुलाकातों का दौर शुरू होगा, चर्चाएं भी होंगी, और चर्चाएं क्या होंगी ये तस्वीरें सभी के सामने कल साफ हो जाएंगी। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।